Good morning, student. Next article in this chapter is the photorespiration. फोटोरेस्पिरेशन में क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम जो है ऑक्सीजनेट एक्टिविटी शो करने लगता है। रूबिस्को एंजाइम उन्होंने बताया था, रूबिस्को एंजाइम में दोनों एक्टिविटी होता है, एक ही एक्टिव साइट पे दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों कंपीट करते हैं एक ही एक्टिव साइट पे। तो रूबिस्को एंजाइम दोनों एक्टिविटी शो करता है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेट। तो रूबिस्को एंजाइम वर्क ऑक्सीजनेज एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन कंडीशन में दिस रूबिस्को वर्क एज ए ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। और इसमें क्या होता है, रूबिस्को जो है आर यू बी कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम टू रिलीज CO2। This is a photorespiration, and basically three organs participate in this reactions. What are the three organs? Chloroplast, peroxisomes, and mitochondria. Three organs participate in this reaction. कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा था रूबिस्को, वो क्या कर रहा था, C3 साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड RUBB से कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके क्या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा था C3 साइकिल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फोटोरेस्पिरेशन में RUBP जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली इट्स अ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज इट टेक्स प्लेस इन अ लो कंसंट्रेशन। बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन इज सिमिलर टू द रेस्पिरेशन बट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइट। फोटो रेस्पिरेशन इज सिमिलर टू रेस्पिरेशन बट टेकिंग प्लेस लाइट कंडीशन में अगर कोई रेस्पिरेशन होता है तो उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये लाइट कंडीशन में होता है इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है रेस्पिरेशन होता है। और इसके व्हाट आर द एग्जांपल्स, बेसिकली जो एग्जांपल्स होता है इसमें मैक्सिमम जो एग्जांपल्स हैं वो टेम्परेट प्लांट्स हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स, टेम्परेट प्लांट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस फोटो रेस्पिरेशन। एंड व्हाट आर द एग्जांपल, व्हीट राइस, क्या क्या है, व्हीट है, राइस है, बार्ली है, ठीक है, व्हीट राइस बार्ली, ठीक है, ये सब है। दीज आर द डिफरेंट टेम्परेट प्लांट्स इन विच फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। इसी को फोटो रेस्पिरेशन को बेसिकली C2 साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, C2 साइकिल बोलते हैं।
C2 साइकिल, या इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल बोलते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दो नाम इसका है, फोटोरेसिस्ट C2 साइकिल। C2 साइकिल इसलिए बोलते हैं कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसे फास्फोग्लाइकोलेट बोलते हैं। दिस इज फास्फोग्लाइकोलेट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, इसीलिए एंड विच इज फास्फोग्लाइकोलेट इज द 2 कार्बन कंपाउंड। फास्फोग्लाइकोलेट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड एंड इट इज अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन दिस फोटो रिएक्शन। तो फास्फोग्लाइकोलेट फास्फोग्लाइकोलेट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड एंड दिस इज अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस फोटोरेस्पिरेशन। और इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 2 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C2 साइकिल बोलते हैं। और ग्लाइकोलेट साइकिल बोलते हैं बिकॉज द प्रोडक्ट इज द ग्लाइकोलेट एंड इसीलिए इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शंस ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन। हमने बताया था 3 डिफरेंट ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोरेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो तीनों को हम बना लेते हैं, तीनों का डायग्राम। क्लोरोप्लास्ट, पराक्सिसोम थोड़ा सा काफी बड़ा हो गया। क्लोरोप्लास्ट, पराक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यह हो गया क्लोरोप्लास्ट, पराक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों क्या है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं एंड पराक्सिसोम भी तो सिंपल ऑर्गेनेल बोलते हैं, प्लांट्स में ही मिलता है पराक्सिसोम। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, क्लोरोप्लास्ट में जो आरबीपी होता है, आरबीपी इज कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा इसमें, रूबिस्को एंजाइम होगा। कौन सा, रूबिस्को एंजाइम होगा। रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में आरबीपी ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट इज द फास्फोग्लाइकोलेट, फास्फोग्लाइकोलेट प्लस PGA, ठीक है। ये 5 कार्बन का है, दिस इज 5 कार्बन, 2 कार्बन का ये बन गया फास्फोग्लाइकोलेट और 3 कार्बन का क्या हो गया है, PGA हो गया। PGA किसमें चला जाएगा, C3 साइकिल में चला जाएगा। और ये फिर जो है आगे चल के फास्फोग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलेट बाय रिलीजिंग 1 इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिलीज करके ग्लाइकोलेट बन जाएगा। और ये ग्लाइकोलेट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पराक्सिसोम में चला जाएगा। दिस ग्लाइकोलेट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द पराक्सिसोम एंड दिस ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट 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 एंड प्लस H2O2
इन दिस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइऑक्सिलेट एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ऐसे रह जाएगा, इज अ बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड दिस ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइसिन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ग्लाइसिन इज द बेसिकली सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, दो कार्बन का सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, और फिर ये ग्लाइसिन किस में ट्रांसपोर्ट होगा, माइटोकांड्रिया में, और ग्लाइसिन ट्रांसपोर्टेड इन वन मॉलिक्यूल, वन मोल ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू द सीरीन, सीरीन सीरीन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय रिलीजिंग NH3 कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोरेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे रिलीज होगा, ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू द सीरीन, दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू द सीरीन, हाउ मेनी, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन इज यूटिलाइज्ड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन इज यूटिलाइज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन, सीरीन भी अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन भी अमीनो एसिड, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, और सीरीन जो है अमीनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, और ये सीरीन जो है बेसिकली सीरीन जो है माइटोकांड्रिया में जो सीरीन जो है बनता है, और ये फिर सीरीन जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पराक्सीसोम में, सीरीन पराक्सीसोम में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इस दौरान ग्लाइसिन सीरीन बनने में क्या होता है, एनएडीपी एनएडीएच बनता है, एनएडी एनएडी बनता है एनएडी प्लस से एनएडीएच फॉर्म, एनएडीएच इज फॉर्म फ्रॉम द ग्लाइसिन, व्हेन द ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू सीरीन द एनएडीएच इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक अमोनियम आयन निकलता है, अमोनिया निकलता है इस रिएक्शन में, और सीरीन जो है फिर ट्रांसपोर्ट होता है पराक्सीसोम में, सीरीन इज कन्वर्टेड नाउ हाइड्रोक्सी पाइरूवेट, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा, और हाइड्रोक्सी पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लिसरेट, ग्लिसरेट बाय कंज्यूमिंग है वंस टू एनएडीएच था उसे कंज्यूम करके एनडी प्लस बन जाएगा, तो ग्लिसरेट इज कन्वर्टेड एंड दिस ग्लिसरेट इज मूव इनटू द क्लोरोप्लास्ट, एंड आफ्टर दिस ग्लिसरेट इज इंटर एंड दैट फॉर्म इनटू द पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, PGA, PGA एंड PGA जो है इसमें अब जो है ये PGA से ये C3 साइकिल बनाएगा, दिस इंटर इनटू द C3 साइकिल, दिस PGA इनटू द C3 साइकिल, इस C3 साइकिल में इंटर कर जाएगा PGA, तो दिस इज द बेसिकली दिस इज द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द फोटोरेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, एंड फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन ऑफ द फोटोरेस्पिरेशन इज द phosphoglycerate, this is a phosphoglycerate and this is a two carbon compound and this is a first stable product, first stable product is the phosphoglycolate, और वो phosphoglycolate एक inorganic phosphate release करके वो glycolate में convert हो जाता है, this is a photorespiration का basic mechanism है, और इसमें जो फोटोरेस्पिरेशन होता है, हमने बताया था कि टेम्परेट प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, और बेसिकली द कंडीशन फॉर द एंजाइम रूबिस्को टू वर्क इन फोटोरेस्पिरेशन इज द हाई टेम्परेचर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, थ्री कंडीशंस हैं, कौन कौन सा, हाई टेम्परेचर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहेगा तभी तो रेस्पिरेशन होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों कंडीशन रहता है तो फोटो रेस्पिरेशन फिनोमेना होगा,
और फोटो रिस्पिरेशन जो है वो C3 साइकिल में होता है, C4 साइकिल में फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है C4 साइकिल। C4 साइकिल को हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं, C4 पाथवे या C4 साइकिल। हैच एंड स्लैक पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हैच एंड स्लैक ने डिस्कवर्ड किया था, एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं। C4 पाथवे या हैच स्लैक पाथवे, C4 पाथवे या हैच एंड स्लैक पाथवे। एंड एग्जांपल, व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट्स इन्वॉल्व इन दिस C4 पाथवे। बेसिकली इसमें जो मोनोकॉट होता है मेज, क्या होता है मेज, सॉर्गम, सुगर केन, ठीक है, मेज, सॉर्गम, सुगर केन, यूफोर्बिया, पर्ल मिलेट, यूफोर्बिया की फैमिली का कुछ प्लांट्स होते हैं, यूफोर्बिया, पर्ल मिलेट पुरानी वाली एनसीईआरटी में ही दिया है, और पर्ल मिलेट, एमरंथ दिया है, ये भी पुरानी वाली एनसीईआरटी में ही एमरंथ दिया हुआ है, ठीक है, एमरंथ हो गया। और इसके बाद चिनोपोडियम है, चिनोपोडियम भी है। तो बेसिकली C4 पाथवे इसको बोलते हैं, C4 पाथवे। एंड एग्जांपल्स ऑफ दीज आर द प्लांट्स विच आर इन विच C4 साइकिल टेक्स प्लेस। इसमें जो रूबिस्को जो होता है, व्हाट आर द कंडीशन, टेम्परेचर इज हाई, द रूबिस्को जो एंजाइम होता है, जिस रूबिस्को एंजाइम में क्या कंडीशन होगा ये काम करेगा, हाई टेम्परेचर क्या होना चाहिए, पहली बार हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तब ये एंजाइम जो है हैच एंड स्लैक पाथवे परफॉर्म करेगा। एंड कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 concentration is high. CO2 concentration is high होना चाहिए। And adaptation in C4 plant is required the photorespiration. For this plant, this is a wonderful mechanism to avoid the photorespiration. C4 pathway जो hatch and slack pathway हो रहा है, it is a wonderful mechanism to avoid photorespiration. Photorespiration is a wasteful phenomena. तो photorespiration ना हो, इसलिए C4 pathway develop किया गया, C4 pathway plants ने develop किया अपने अंदर, और ये एक तरह से avoid करता है photorespiration को. This is a C4 pathway wonderful mechanism to avoid photo respiration. इसमें photo respiration नहीं होता है। C4 pathway is a wonderful mechanism to avoid a photo respiration. And इसमें दो तरह का डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट मतलब एक क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रेनम होता है, ग्रेनम जैसे मान लो एक क्लोरोप्लास्ट है, इसमें जो है ढेर सारे ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द ग्रेना, ग्रेनल बोलते हैं। दूसरा होता है ए ग्रेनल, ग्रैम, उसमें जो है ग्रैनम नहीं होता, उसमें लैमिला होता है, इस तरह से ज्यादा लैमिला, स्ट्रोमा लैमिला, इसको क्या बोलते हैं,
स्ट्रोमा लेमिना, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा लेमिना। ग्रेनुल होता है, ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, ये इस ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स में ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट। इसमें किसमें होता है, बंडल शीट, बंडल शीट सेल्स में क्या होता है, एक ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट होता है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बंडल शीट सेल्स, बंडल शीट सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है, बंडल शीट सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बंडल शीट सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है इसमें, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, नो इंटर सेलुलर स्पेसेस, नो इंटर सेलुलर स्पेसेस, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बंडल शीट सेल्स में, बंडल शीट सेल्स में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, थिक वॉल होता है, थिक वॉल होता है। तीसरा जो होता है थिक वॉल, तीन करेक्टरिस्टिक होता है, थिक वॉल क्या होता है, व्हाई थिक वॉल, थिक वॉल इज बेसिकली टू, दिस इज ए इम्परमेबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज, अगर थिक वॉल नहीं होगा इसमें जो ग्रेनुलर रिएक्शन, जो ग्रेनुलर रिएक्शन क्या होता है इसमें, लाइट रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन, लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, ये ऑक्सीजन जब अगर थिक वॉल नहीं रहेगा तो ये ऑक्सीजन इसमें परमेबल से कंप्रेमिटी का इंटर कर जाएगा, और ये ऑक्सीजन जब इंटर कर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा, तो थिक वॉल होता है, क्या बताया गया यहाँ पे, थिक वॉल होता है, एंड थिक वॉल इज इम्परमेबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज, तो इम्परमेबल, फॉर गैसियस एक्सचेंज, थिक वॉल इज इम्परमेबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज। तो ग्रेनुलर रिएक्शंस में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन निकलता है, और ये ऑक्सीजन इस बंडल शीट में ना चला जाए इसलिए इसके पास थिक वॉल होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है बंडल शीट सेल्स में, और बंडल शीट सेल्स में क्या होता है, क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, कौन सा है, डार्क रिएक्शन, सी थ्री साइकिल चलता है बंडल शीट सेल में, डार्क रिएक्शन होता है, और इसमें कौन सा होता है, लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन, ग्रेनुलर एंड ए ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट, और इसी में ही बंडल दैट इज अ क्रैंज एनाटॉमी मिलती है, क्रैंज एनाटॉमी, इट्स अ बंडल इज अरेंज इन वृत्त लाइक, क्रैंज एनाटॉमी में, क्रैंज एनाटॉमी, क्रैंज एनाटॉमी होती है, और इस क्रैंज एनाटॉमी, इस क्रैंज एनाटॉमी, क्रैंज एनाटॉमी क्रैंज एनाटॉमी बंडल शीट सेल्स आर अरेंज वृत्त लाइक, दिस इज अ बंडल शीट सेल्स आर अरेंज वृत्त लाइक, वृत्त लाइक मतलब सर्कुलर मैनर में, किस मैनर में, वृत्त लाइक मतलब सर्कुलर, सर्कुलर मैनर में बंडल शीट सेल्स आर अरेंज, इसी बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी, किसमें होती है, इसी तरह का जो सी फोर प्लांट्स होते हैं उसी में, मेज में, इसमें होती है मेज, मेज में, सॉर्गम में, सुगर केन में, अमरंथ में, पर्पल मिलेट में, तो
मैक्सिमम जो होते हैं मोनोकॉट्स में ही होता है C4 पाथवे, तो उसमें क्रेंज एनाटॉमी होती है। क्रेंज एनाटॉमी मतलब बंडल शीट सेल्स आर अरेंज्ड इन वृत्त लाइक, तो बंडल शीट बेसिकली बंडल शीट जो होता है वो दैट फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वैस्कुलर बंडल। बंडल शीट सेल्स दैट फॉर्म सेवरल, इसके बहुत ढेर सारा लेयर बनाता है वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ, और ये एक तरह से क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया, इसमें होता क्या है बेसिकली अगर देखा जाए तो C4 पाथवे में होता क्या है, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल। दोनों में अलग अलग रिएक्शंस होता है। मीजोफिल सेल्स में बेसिकली फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द C4 पाथवे इज अ ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। C4 पाथवे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज द C4 पाथवे में क्या होगा, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड होता है, इसीलिए इसको C4 पाथवे बोलते हैं, क्योंकि जो स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है, फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है वो चार कार्बन का होता है, सो इट इज नोन एज C4 पाथवे। ओ ए ए दिस इज अ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दिस इज अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एंड इट इज अ फोर कार्बन, so it's known as C4 pathway बोलते हैं, C4 pathway बोलते हैं। और इसके बाद देखते हैं what are the different reactions takes place in this pathway in two different cells, mesophyll cells और bundle sheet cells। मेजोफिल एंड बंडल शीट सेल द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, यहाँ पे वाटर है, वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट बनाएगा, दिस इज फॉर्म द बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कैसे रिएक्शन होगा, बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा, वाटर जो होता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट फॉर्म अ कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम which is fastest enzyme, बहुत fastest enzyme होता है, और इसके presence में ये reaction water से carbon acid combine करके क्या बनाएगा, carbonic acid बनाएगा, और ये फिर carbonic acid किस में convert हो जाएगा, H+ में और bicarbonate ion में। इसमें भी इसी reaction में भी यही होता है, यही enzyme participate करके, दोनों reaction में enzyme participate करके ये bicarbonate बनाएगा, and bicarbonate is used to convert, and this bicarbonate is combined with PEP to form first stable product, kya banega ye OAA, OAA kya hai, what is OAA, humne bataya tha OAA is oxalo एसिटिक
एसिड PEP फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। तो पीपी हो गया, ओ ए हो गया, पीपी से कार्बोनेट जो बाई कार्बोनेट है वो कंबाइन करके ओ ए बनाया गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज नोन एज पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या है? फॉस्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज पेप्टाइड का क्या होगा? पेप कार्बोक्सिलेज। दिस पेप कार्बोक्सिलेज व्हिच हेल्प, दिस इज एंजाइम व्हिच हेल्प टू कंबाइन दिस bicarbonate with phosphoenol pyruvate to form an oxaloacetic acid, and this oxaloacetic acid is converted into the malic acid. Malic acid is the basically acid which is formed after the oxaloacetic acid. And sometimes किसी कहीं कहीं के पे malic acid के जगह aspartic acid दे दिया है, तो कहीं कहीं aspartic acid भी form होता है malic acid and as well as sometime aspartic acid, किसी किसी literature में दिया हुआ है, but the malic acid is the main product which is formed in the mesophyll cells, and this malic acid is transported into the bundle seed cell. This malic acid is transported into the bundle seed cell. Malic acid is transported into the bundle seed cell, and this malic acid is converted into the pyruvic acid mein convert hoga aur ek carbon dioxide isme release hoga. This is released one carbon dioxide inside the bundle seed cells. Bundle seed cells mein carbon dioxide release hoga aur bahut hi aasani se ye carbon dioxide jo hai release ho jayega. और दिस इज ये जो है एक मैकेनिज्म है टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज ए मैकेनिज्म मैकेनिज्म टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंड दिस इज नोन एज कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म ऑफ द दिस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म. दिस इज अ CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म. इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म. किसको? C4 पाथवे को क्या बोलते हैं? C4 पाथवे को CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं. C4 पाथवे इज आल्सो नोन एज CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो मैलिक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल सीड सेल्स में रिलीज कर रहा है. कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज इनसाइड द बंडल सीड सेल्स. और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन रिलीज हो रहा है, और ये जो है किसमें चला जाएगा? दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइंड विद RuBP इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम. Rubisco enzyme to form glucose. Glucose बन जाएगा. Pyruvic acid बना. Pyruvic acid बन गया. ये pyruvic acid बना और फिर से pyruvic acid इधर convert जाएगा pyruvic acid इसमें, और ये pyruvic acid is now converted into the PEP. किसमें convert हो जाएगा? ये PEP में convert हो जाएगा by the consumption of 2 ATP molecules. कितने? 2 ATP molecules तो consumption करके ADP में convert हो जाएगा. 2 ATP का consumption करके क्या हो जाएगा? Pyruvic acid. This pyruvic acid is converted into the कहीं कहीं ये जो है एक ATP एक AMP में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एक ATP अगर एक AMP में कन्वर्ट होगा तो इस मींस दो फास्फेट ग्रुप रिलीज होके इसमें जुड़ेंगे. तो
कहीं कहीं दो एटीपी में कन्वर्ट वजन दिखा रहा है, किसी किसी बुक में जो है एक एटीपी जो है दो एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर एक एएमपी में कन्वर्ट हो रहा है, वन एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू द वन एएमपी, इट मींस टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिलीज और वो दोनों जो है इसमें जुड़ जा रहा है, वो क्या बना रहा, फॉस्फो इनऑर्गेनिक पाथवे। तो ये हो गया मेजोफिल सेल्स और ये हो गया बंडल सी सेल, दोनों में अलग अलग हो रहा है। मेजोफिल सेल्स में क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है, ग्रेनल है, लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया ही है, लाइट रिएक्शन हो रहा है। और बंडल सी सेल्स में डार्क रिएक्शन C3 साइकिल हो रहा है। और इस मैकेनिज्म में बस यही बताया जा रहा है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बंडल सी सेल्स में बढ़ रहा है। एंड दिस इज द मैकेनिज्म हाउ टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन साइड द बंडल सी सेल्स। तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें कि कितने एटीपी कंज्यूम होता है। C3 साइकिल मैंने बताया था, C3 साइकिल में बेसिकली 18 एटीपी और 12 NADPH2 कंज्यूम होते हैं, लेकिन यहाँ पे 18 एटीपी तो हो ही रहे हैं क्योंकि C3 साइकिल चल ही रहा है, इसके अलावा 2 एटीपी और कंज्यूम हो रहा है। तो 18 एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 2 एटीपी एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया, 2 एटीपी कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे, तो कितना हो गया, 6 के लिए कितना हो जाएगा 12, 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, टोटल 30 एटीपी आर इन्वॉल्व। एंड दिस इज एक्सपेंसिव प्रोसेस। क्या है ये एक्सपेंसिव प्रोसेस, क्यों, क्योंकि 18 एटीपी तो पहले C3 में चल ही रहा है, यहाँ पे C3 साइकिल 18 एटीपी का यूज होगा, लेकिन 2 एटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 एटीपी और लग जाएगा यहाँ पे, तो 12 एटीपी और हो गया, कितना हो जाएगा 30 एटीपी। तो क्या हो गया, दिस इज एक्सपेंसिव प्रोसेस हो गया, क्या हो गया, एक्सपेंसिव प्रोसेस हो गया। एंड दिस इज एक्सपेंसिव प्रोसेस। और प्लस 12 NADPH2 तो हो ही रहा है यहाँ पे कंज्यूम, प्लस 12 NADPH2 तो होगा ही होगा, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना 30 ATP और 12 NADPH2 चाहिए, किसमें, C4 पाथवे में। तो दिस एनर्जी कंज्यूमिंग, हाई एनर्जी कंज्यूमिंग एंड C4 पाथवे जो है एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एंड तो इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स।